जूम पहुंच गया है बिग बॉस सीजन 12 के घर में। जी हाँ, जिस शो का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है वो अब आ गया है, और जूम अब आपको आज दिखाएगा कि कैसा है बिग बॉस का घर और उसमें क्या क्या कुछ नया है वो हम आपको आज दिखाएंगे। एक रियलिटी शो जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है वो अब आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस सीजन 12 की। जूम पहुंच गया है बिग बॉस सीजन 12 के घर में, और इस घर में क्या कुछ खास है वो आज हम आपको बताएंगे। हर घर कुछ कहता है, और बिग बॉस का ये घर भी बहुत कुछ कहता है। जी हाँ, इस घर की थीम है बीच हाउस। यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसा कि आप गोवा में हैं। सारे कंटेस्टेंट्स को ऐसा फील होगा जैसे कि वो एक लंबी छुट्टी पर गोवा में आए हैं रिलैक्स करने के लिए, फ़न करने के लिए। अब कितना फ़न होगा, कितनी कंट्रोवर्सी होगी, कितनी गॉसिप होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं घर का एक बेहद अहम हिस्सा, यानी कि किचन, जहाँ पर किचन पॉलिटिक्स भी होती है और खाने के साथ साथ बहुत कुछ पकता है। इसमें भी ऐसे ही फील है जैसे कि आप रिलैक्स करने आए हों, लेकिन यहाँ काम सबको बहुत करना पड़ेगा क्योंकि खाना भी बनाना है और साथ में बर्तन भी धोने हैं। घर में पूरा लुक बीच हाउस जैसा है, जैसे कि आप गोवा में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की सजावट, और हर एक चीज़ ऐसी की गई है जैसे कि आप बीच हाउस में आए हों, छुट्टियाँ बिताने आए हैं, लेकिन काम किचन में सबको ज़रूर करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कौन खाना पकाता है, कौन रोटी बेलता है और कौन बर्तन मांजता है। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं कन्फेशन रूम में। बहुत ही सुंदर कन्फेशन रूम बनाया गया है। जैसे कि फिर मैं वही बात कहूंगा कि बीच हाउस का थीम है, तो ऐसा लग रहा है हम बहुत खूबसूरत बीच के किनारे किसी शैक पर बैठे हुए हैं, और यही वैसा ही सिंहासन, वैसे ही शैक उस तरह का बनाया गया है। एक अलग अलग तरीके की लाइटिंग्स हैं पीछे, आप देख सकते हैं, और बैकग्राउंड में समुद्र नज़र आ रहा है आपको, और अलग अलग कलर की डिफरेंट बॉटल्स हैं, लाइटिंग्स हैं, और बहुत ही खूबसूरत फील दे रहा है ये सब। जो इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं, नारियल के पेड़ भी हैं यहाँ पर, कुछ आर्टिफिशियल पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जो इस पूरे कमरे को बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिग बॉस के घर का एक अहम हिस्सा, यानी कि बेडरूम, जहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स आराम फरमाते हैं, रात को सोते हैं, और बहुत ही सुंदर बेडरूम बनाया गया है इस बार। इस बेडरूम में अगर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक शिप में आ गए हैं। इसकी थीम को ऐसा बनाया गया है जैसे कि आप एक क्रूज पे हैं, और क्रूज में जिस तरह के बेडरूम्स होते हैं, जिस तरह का आलीशान कमरा होता है, उस तरह का इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर बेड्स के ऊपर ऐसा लगेगा आप समुद्र के बीच में कहीं हैं, और सब मछलियां आप देख सकते हैं, पूरा वाटर थीम इसको दिया गया है। और बीच हाउस जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो इसको एग्जैक्टली एक बीच हाउस की तरह ही बनाया गया है। बाथरूम एक घर का बहुत अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, बहुत सारी रोमांटिक स्टोरीज भी हमें देखने को मिलती हैं इसी बाथरूम के अंदर, और एक दूसरे के बारे में गॉसिप करना, रोना धोना, सभी इस बाथरूम में पिछले सीजन्स में देखा गया है। जैसे कि घर का थीम है बीच हाउस, और आपको ऐसा फील होगा कि आप छुट्टियों पर आए हैं, वैसे ही इस घर की थीम को ध्यान में रखते हुए लिविंग रूम को भी सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिटिंग एरिया है, बहुत लंबा एक सिटिंग एरिया है जिसपे सारे कंटेस्टेंट्स बैठेंगे। सामने की तरफ आप देखें तो वहाँ पे सर्फिंग बोर्ड से सजावट की गई है इस कमरे की, और इस रूम को देखते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं छुट्टियों पे निकल आए हैं। वाकई ये बहुत खूबसूरत है। ये वो सोफ़ा है, ये वो लिविंग रूम का एरिया है जहाँ पर सभी कंटेस्टेंट्स बैठ के सलमान खान से सीधे जुड़ पाएंगे। वीकेंड के वार पर जब सलमान खान आएंगे, वो इस जगह पे बैठ के सलमान से डायरेक्ट रूबरू हो पाएंगे, और उनका आमना सामना बिग बॉस सलमान खान के साथ होगा। सामने आप देख सकते हैं उस टीवी के थ्रू सलमान से सारे कंटेस्टेंट जुड़ेंगे, और वीकेंड का वार पर सलमान उनकी क्लास भी इसी टीवी के थ्रू लगाते हैं। सामने की जो दीवार है वो भी बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे सी शेल्स हैं, आप स्टारफिश देख सकते हैं, और एकदम बीच हाउस की थीम को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत ही खूबसूरत वॉल डिज़ाइन की है। और जितने भी ये मिरर्स हैं
वॉल पे आप जितने भी मिरर्स देख रहे हैं, ये खाली सिर्फ मिरर ही नहीं, इसमें कैमरास भी लगे हुए हैं, जिससे हर पल बिग बॉस कंटेस्टेंट्स पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। हम आपको ये भी बता दें, इस घर में इस बार टोटल 89 कैमरास का यूज किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ कैमरास विजिबल हैं, बट कुछ कैमरास इस मिरर के पीछे हैं। लिविंग रूम से लगकर एक एरिया है जहां पर कंटेस्टेंट्स आपस में बात करने के लिए बैठ सकते हैं। यहां पर एक सिटिंग एरिया इस तरह का बनाया गया है कि जहां पर सब वो मस्ती भी कर सकते हैं, बहुत सारी गॉसिप कर सकते हैं, और आपस में कोई गेम खेलना हो अगर तो रिलैक्सेशन के लिए वो भी वो यहां पर कर सकते हैं। और सिटिंग एरिया और इस घर की थीम के अकॉर्डिंग बीच हाउस जो बताया गया है, बहुत ही सुंदर इस घर को बनाया गया है। और हर जगह आप देख सकते हैं कि एक बीच पे आप आए हैं या कि छुट्टी पे आए हैं, गोवा पे आए हैं, ऐसी एक फील आपको लगेगी, चाहे वो लिविंग एरिया हो, चाहे वो डाइनिंग एरिया हो, चाहे वो किचन हो। किचन के सामने एक बहुत ही सुंदर एरिया है, एक छोटी सी सिटिंग दी गई है जिसको काफ़ी ग्रीनरी भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी और बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे कंटेस्टेंट्स बैठ के आराम से कोई गुपचुप बात करनी है वो भी बहुत अच्छे से की जा सकती है। यहाँ पर गॉसिप भी होंगी और ऑब्वियसली यही वो एरिया है जहाँ पर एक दूसरे की बुराई कंटेस्टेंट्स करते हैं और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं। आपको दिखाया रिलैक्स करने की जगह, आराम फरमाने की जगह, गॉसिप करने की जगह, बट एक जगह ऐसी है जो इस घर में सबसे खतरनाक मानी जाती है, वो है बिग बॉस के घर का जेल। जैसे कि जेल में होता है आपको कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वैसे ही बिग बॉस के घर की जेल भी है। घर के अंदर बहुत ही आलीशान बेड्स हैं, आराम फरमाने के लिए बहुत ही अच्छी ज़्यादा जगह है, लेकिन जेल के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ भी कोई भी किसी को कोई सुख, कोई भी मुजरिम होगा उसको यहाँ पे कोई भी सुख सुविधा नहीं मिलेगी। बिग बॉस सीजन 12 का यह घर कितना खूबसूरत है ये तो आपने देख लिया, लेकिन इस खूबसूरत घर को डिजाइन किसने किया है ये हम आपको बताते हैं। हमारे साथ हैं डिजाइनर उमंग कुमार। सो वेरी वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड ऑब्वियसली आप अंदर जा चुके हैं, देख चुके हैं, ये जो आइडिया है वो मेरी भी वनीता का था। लास्ट ईयर जब हम यहाँ से निकले थे तभी सोच लिया था कि नेक्स्ट ईयर का सेट होगा एक बीच हाउस। आप ब्रीफ चेंज करो, जो भी करना है हम बीच हाउस करने वाले, तो वी वर्क बैकवर्ड्स, दिस इज व्हाट वी प्रेजेंटेड टू द क्लाइंट एंड टू एंडमॉल एंड ऑल, कि ये हम करना चाह रहे हैं, डज इट फिट? इट फिट्स वेरी ब्यूटिफुली विद एवरीबॉडी, यू नो, लॉन्च कॉन्फ्रेंस हो गया, सलमान जी का शाले हो गया, एंड जहाँ वहाँ वो एविक्शन होगा सेट, वो भी हर चीज़ बेसिकली एक बीच हाउस की फील में जा रहा है।